हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गुड़िया ब्लॉग में, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो आज दिन है शनिवार और तारीख है 17 अगस्त। तो जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया हुआ था, जो लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा, कि ट्रेनिंग चल रही थी 4 दिन की, वो ख़त्म हो गई है। तो रेगुलर रूटीन में आ गए हैं हम। तो आज सैटरडे है, तो आज हो गई थी छुट्टी। तो बस सुबह से मेरे काम हो गए हैं स्टार्ट, यानी कि वर्किंग मॉम के काम शुरू से सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं 5 बजे से। तो आज सोचा था थोड़ा सा घर की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि कई दिनों से ना बहुत जल्दबाजी में क्लीनिंग हो पा रही थी, ठीक से नहीं हो पा रही थी। जैसे कि घर की पूरी की झाड़ू वगैरह तो ठीक से लग रही थी, बट वो है पोछा वगैरह ठीक से नहीं लग पा रहा था। तो सैटरडे भी है तो और त्यौहार भी है, सफाई तो मेरी वैसे चलती रहती है, थोड़े थोड़े हिस्सों की चलती रहती है, बाकी हो चुकी है। किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया है और सारे कमरों को मैंने क्लीन कर लिया है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। हर चीज़ वीडियो में नहीं दिखा पाई है, तो थोड़ा थोड़ा क्लीन हो चुका है। बाकी डेली की जो क्लीनिंग होती है वो तो साथ साथ चलती ही है, तो डेली वाली क्लीनिंग मैं करूँगी। और हस्बैंड जी को तो जाना है अपने ऑफिस, क्योंकि उनका तो है, बट मुझे नहीं जाना अभी, तो मैं कर रही हूँ अपने काम शुरू। क्योंकि सबसे पहले का काम मेरा होता है कि 9 बजे तक मुझे नाश्ता रेडी करना होता है, फिर बाकी के काम मैं सारे बाद में ही करूँगी। और जैसा कि सबको पता ही होगा कि अभी मेरे घर में पूजा नहीं हो रही है, तो मैं तो नहीं करूँगी, बट बेटी से करवाती हूँ, तो वो जब कर पाएगी 10-11 बजे तक तभी करेगी। तो बाकी के मैं सारे काम निपटा लेती हूँ तब तक। तो बस मैं यहाँ पर बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में नमकीन वाली सेवैयाँ बना रही थी। तो मैं कैसे बना रही थी, कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी सब्जियों को चॉप कर लिया है, और सिवैयों को पहले ही मैंने रोस्ट कर लिया था। तो प्याज और हरी मिर्च, टमाटर और एक आलू को बारीक चॉप किया। मेरे पास शिमला मिर्च अभी नहीं थी, इसमें शिमला मिर्च भी अच्छी लगती है बहुत, इस तरीके से नूडल्स बनाते हैं ना चाउमीन वगैरह उसी तरीके से, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने सारी चीज़ों को भून के तेल में नमक डाल के अच्छे से फ्राई करके और थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया, और हल्की सी सॉफ्ट हो गई थी सारी चीज़ें। फिर मैंने जो रोस्टेड सिवैयाँ थी ना, मैंने पहले से अकोर मतलब भून ली थी थोड़ा सा ऑयल डाल के, वो मैं इसमें मिला दी, और सारी चीज़ों को हल्के हाथ से 2 मिनट 1 मिनट के लिए बस भूना मीडियम फ्लेम पे। और बस फिर इसमें डाल देंगे अच्छे से पानी, जितना उतना पानी डालेंगे जितने में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब हाई फ्लेम पर ही मैंने 3 से 4 मिनट तक पकाया और फिर गैस को कर दिया बंद। और अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पक गई हैं, और कलर कितना अच्छा आया है, तिरंगा मालूम पड़ रहा है। मतलब जिस टाइम मैंने छौंकी थी उस टाइम तो सारे ही कलर थे उसमें, मतलब बहुत अच्छा आया है। तो अभी हरा धनिया नहीं था घर पे, बट हरा धनिया ऊपर से और डालो तो बहुत ही अच्छा कलर आता है। फिर उसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग की थी पूरे घर की, काफ़ी टाइम लगा था मुझको, करीब मैं 8 बजे से नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता मैंने 8:30 बजे तक बना दिया था। उसके बाद आज मैं थोड़ा सा लेट उठी तो मैं 5 बजे ही थी, बट मैं ना जो ज़रूरी काम थे सुबह के, जैसे झाड़ू वगैरह बासी निकालते हैं वो लगा के, और जो भी दूध वगैरह आता है सुबह को जल्दी, तो उसको लेके गर्म होने रख दिया था, चाय वगैरह एक बार बना के पी ली थी। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, क्योंकि जब ऐसा लगता है ना जिस दिन छुट्टी होगी थोड़ा सा आराम से करेंगे, लेकिन वो आराम से करने में ही ना काम इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर जैसा लगता है कि क्यों बिना मतलब हमने लेट किया। अच्छा होता कि हम उसे टाइम से काम शुरू कर देते, जैसे कि जब वर्किंग डे होता है तब करते हैं। तो टाइम अभी यहाँ पर हो रहा था, करीब बज रहा था 12, और नाश्ता सबका हो गया था, पूरे घर की सफाई हो गई थी। तो मैं 8:30 से सफाई में लगी थी, और मुझको ना 11:30 बज गए थे, क्योंकि मैंने आज सारे घर के पंखों को क्लीन किया था चढ़ चढ़ के, और सारे पंखे मैंने क्लीन किए थे, उसकी कोई मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाई। और पंखे क्लीन करने के बाद फिर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाया, और सारे जाले वगैरह, जो जाले वाला ब्रश होता है उससे पूरे घर के जाले साफ़ किए थे, और जाले साफ करने के बाद फिर से झाड़ू लगाया। मतलब पूरे 8 बजे से लेके और 11 बजे तक मुझे 8, 9, 10, 11 पूरे 3 घंटे मुझको हो गए थे करते करते, तब मैं जाके फ्री हो पाई थी। और मैंने 11 बजे ही अपना ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि मैं जब तक नहा नहीं लेती हूँ तब तक मुझसे खाया नहीं जाता। बस चाय मैंने पी ली थी 1-2 बार, बट मैंने खाया कुछ नहीं था। तो बस मैं खा चुकी थी यहाँ पे, और पता है सिवैयाँ मैंने बनाई थी तो वो पड़ गई थी कम कम से, मतलब एक ही बची थी, मतलब एक
लोगों के लायक, तो वो बेटी को बहुत पसंद है सेवैयाँ, इसलिए फिर मैंने अपने लिए बनाया था ओट्स, मसाला ओट्स, क्योंकि भूख लग रही थी, 11 बज गए थे और 5 बजे से उठने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी, तो मैंने बस मसाला ओट्स बनाया और ठीक से खा लिया और थोड़ी सी सेवैयाँ भी टेस्ट कर ली थी। उसके बाद फिर से मैं जुट गई थी लंच बनाने में, और इधर मैंने मशीन में डाल दिए थे कपड़े भी, क्योंकि जो डाइनिंग टेबल का कवर अवर सब कुछ मैंने साफ़ किया था अच्छे से साबुन से, तो वो सब साफ़ करने के बाद जो कुर्सियों के कवर वगैरह थे वो भी मैंने मशीन में डाल दिए थे, कुछ बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी, पिलो कवर, बहुत सारे कपड़े जो आज हटाए थे वो सारे मैंने मशीन में डाल दिए थे, तो वो भी इधर धुल रहे थे साथ ही साथ बन रहा था लंच। तो लंच में आज सैटरडे था तो कई दिन हो गए थे, दाल मखनी नहीं बनी थी, वो बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और राजमा ख़त्म हो चुका है, वैसे तो राजमा बनाती, तो दाल मखनी मैंने सुबह ही भिगोई थी, तो थोड़े से गर्म पानी में भिगो देती थी। ये टिप्स है कि अगर हम जैसे कि रात को भिगोना भूल जाते हैं तो आराम से सुबह को थोड़ा सा गुनगुने पानी में आप भिगो दो, तो 2-3 घंटे में अच्छे से, जब तक मैंने सारे काम किए थे तब तक अच्छे से फूल गई थी। फिर इसको मैंने खूब सारा पानी डाल के और सब खड़े मसाले डाल के पानी डाल के और उसको रख दिया था बॉयल होने, और दूसरी साइड में छौकी थी, थोड़ी सी लौकी रखी हुई थी आधी सी, तो उसमें 2 आलू डाल के मम्मी पापा जी के लिए लौकी और आलू की सब्ज़ी छौंकी थी, क्योंकि वो उड़द वगैरह की दाल कम खाते हैं और ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए फिर मैंने उनके लिए लौकी की सब्ज़ी बना दी थी। बस हाँ ये है, थोड़ा सा टेस्ट के लिए ले लेंगे जो दाल मखनी बनाऊँगी। और हाँ, मूली भी लाई थी मैं कल शाम को वापस आते पे, जब मैं गई थी ना शाम को मार्केट बेटी के साथ, मैंने थोड़ा सा शूट किया था बट ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि राखियाँ भी लेनी थी भगवान जी को पहनाने के लिए, भगवान जी के बांधने के लिए, बेटी को लेनी थी अपने लिए, तो वो सब लेने गई थी, तो उस तभी मैं लेके आई थी। और पता है मूली इतना महंगी मिली और अभी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, बट मेरी बेटी को मूली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी ले लेती हूँ, तो मैंने 1/2 kg ली, तो मतलब 50 rupees kg मिली, तो मैंने 1/2 kg ली, ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी बट मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, अब ले ली है तो। फिर मैंने उसको भी अच्छे से कट करके बॉयल कर लिया था, बॉयल करके और उसको साइड में रख दिया, तो उसमें 2 आलू भी बॉयल कर लिए थे, जिससे ना कम हो जाती है ना मूली, जब हम उबालते हैं उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब बॉयल हो जाती है तो बहुत थोड़ी सी रह जाती है, तो सोचा इसमें एक आलू भी मिक्स कर दूँगी ना तो अच्छी सी भुजिया बन जाएगी, तो बस वही बना दी थी। तो जितने लोग होते हैं ना घर में उतनी ही चीज़ें बना कभी कभी बन जाती हैं, क्या होता है ना कि बेटी लौकी वगैरह खा तो लेती है बट थोड़ा लग रहा था कि हाँ एक सब्ज़ी और हो साथ में, और जब घर में होती हूँ मैं तो प्रॉपर अच्छे से खाना बनाती हूँ, वैसे जब डेली वर्किंग होता है ना वर्किंग डे तब तो ऐसे ही होता है कि 1-2 चीज़ बन गई तो बन गई, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काफ़ी अच्छे से सबको खाना जो जिसको पसंद है वो चीज़ मैं सबको खिला सकूँ। इधर देखिए आप कपड़े भी धुल रहे थे, कुछ कपड़े धुल चुके थे जो चेयर पर रखे हुए थे, और इधर सब्ज़ियाँ मेरी बन ही रही थी, इधर कढ़ाई मैंने गैस बंद कर दी है, लौकी बन चुकी है और इधर ये दाल उबल रही है, ये देखिए लौकी और आलू की सब्ज़ी बन गई है, और लोहे की कढ़ाई में सभी सब्ज़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं और वह काफ़ी अच्छी हेल्दी भी रहती हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए आप मूली देख सकते हैं जरा सी हो गई है, फिर मैंने छौंक दी थी दाल मखनी भी और रेडी हो गई दाल मखनी। फिर उसके बाद सबका हो गया खाना, फिर मैं लेके आ गई अपना खाना, अपना खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, और इस टाइम पर हो रहे थे 3 बज रहे थे, अभी हस्बैंड जी भी आने ही वाले थे, हस्बैंड जी मैं फ़ोन कई बार कर चुकी थी बट नहीं आए थे, उनका इंतज़ार करते करते मैं भी लेट हो रही थी खाना खाने में। मेरे यहाँ कितनी बारिश है शाम की, इस समय बहुत बारिश हो रही है और गेट बंद है बाहर से, बहुत ज़्यादा हो रही है। भी आई थी छत पे और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, और टाइम अभी हो रहा है ना 6:30 बजे का, तो गेट बंद कर देती हूँ, सोचा था थोड़ा सा वॉक करूँगी शाम के टाइम, लेकिन इतनी तेज़ बारिश होगी कि छत पूरी गीली होगी और अब अंदर ही अंदर करूँगी वॉक, सोचा था थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फ़ैन चला लिया, लाइट आ रही है अभी इस समय, देख सकते हैं आप कितनी जोरों की बारिश हो रही है, बाहर का नज़ारा। तो ये कुछ प्लांट अंदर रखे हुए थे ना, जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तब मैंने इनको अंदर रख दिया था,
अब इनको ज़रूरत थी पानी की, तो फिर से मैंने इसको ना जाल के नीचे रख दिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी आता रहेगा। और तुलसी जी हैं यहाँ पे, एक प्लांट मेरा बाहर रखा हुआ है अभी तुलसी जी का, जो कि आज 2-3 दिन से पानी नहीं लग पाया था। अभी ये मैंने प्लांट यहाँ पर जो रखे थे ना अंदर, क्योंकि तो पहले काफ़ी सारी तेज़ बारिश हुई थी ना, तो तुलसी जी में और प्लांट्स में पानी भर गया था, तो ज़्यादा पानी से भी ना पौधे ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने वो पौधे कुछ अंदर रख दिए थे। अब ज़रूरत हो गई है पानी की, तो फिर से मैंने बारिश में रख दिए, और बारिश में ना पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं, खिलखिला के हंसते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं अंदर, बाकी के सारे बाहर रखे हुए हैं। बस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप सभी को, आज सैटरडे है और मंडे को रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहनों और भाइयों का प्यार हमेशा बना रहे, और हमेशा इसी तरीके से अच्छे से रक्षाबंधन मनाती रहे मेरी सभी बहनें, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आपसे कल के ब्लॉग में मिलती हूँ, तो ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल पे आए हैं नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और जो लोग मेरे पहले से व्यूअर हैं वो लोग लाइक करें। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।